चैप्टर नेम इज, चैप्टर का नाम है चंपू आया धरती पर। इसमें ये जो चंपू है ना वो एलियन है। क्या है? एलियन, जो दूसरी दुनिया से हमारे पृथ्वी हमारी धरती पर आया है। तो इसके बारे में स्टोरी है, उसको सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, सब अलग अलग वर्क कर रहे। तो वो सबके बारे में जानने के लिए सबको पूछ रहा है और सबके पास जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते रीड करना। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी धरती पर एक यान आकर रुका। कौन सा समय था? रात का समय था। उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी धरती पर एक यान, यान आनी विमान जैसा। ये गैजेट दिख रहा है सबको, सबने कार्टून में देखा होगा। सो ऐसे एक यान आकर रुका, धरती पर आकर एक यान रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चंपू। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। जैसे वो इंसान नहीं था, कुछ अलग दिखता था। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो विचित्र कुछ अलग दिख रहा था, हमारे जैसा नहीं दिख रहा था। और वो सीढ़ी से, वो विमान से, यान से, सीढ़ी से बाहर आया और उसका नाम क्या था? चंपू। नेक्स्ट, चंपू किसी बाहरी बाहरी दुनिया का प्राणी था। वो किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। चंपू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था और उसे नई नई चीजें एकत्रित मतलब इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जो भी वो उसको नई चीज दिखाई देती वो उसको रख लेता, उसको इकट्ठा करता, और उसको ऐसा एक शौक था। नेक्स्ट, उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहां की चीजें अपने थैले में डाल देता था। यान से उतरकर चंपू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। क्या हुआ? चंपू धरती पर आया, उसके पास एक थैला था और वो जहां भी जाता वहां उसको कुछ भी अलग दिखता तो वो अपने थैले में वो चीजें डाल देता। और फिर जब वो धरती पर उतरा तब क्या? रात थी और रात में चांद की रोशनी पूरे धरती पर, ऐसे चांद का उजाला पूरे धरती पर फैला हुआ था और वो उसको बहुत अच्छा लगा। चंपू को बहुत अच्छा लगा और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहां पे उसको नींद आ गई। रात का टाइम था इसीलिए उसको नींद आ गई। नेक्स्ट पेज, सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट से चंपू की आंखें खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहां से चल दिया। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी, चिड़िया की आवाज आने लगी सुबह। उसके बाद चिड़ियों की ऐसी आवाज से, चहचहाहट से चंपू की आंखें खुल गई और उसने अपना थैला लिया और वहां से चल दिया, वहां से आगे चला। वो चलते चलते चंपू एक गांव में पहुंचा। वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे, वे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे, वे कपड़े धो रहे थे। चंपू ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। चलते चलते कहाँ पहुंच गया चंपू? एक गांव में पहुंच गया। वहां चारों तरफ क्या था? हरियाली हरियाली मतलब ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे सब वहां पे थे। उसके बाद एक चंपू को वहां पे एक नदी दिखाई दी।
वह नदी के पास गया तो उसने देखा कि नदी पर मछुआरे हैं, मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं ना वो मछुआरे हैं, और वो जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। और उसने और भी देखा कि नदी के किनारे कुछ धोबी भी है, वो कपड़े धो रहे हैं। और चंपू उनको बड़े ध्यान से देखने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा सब अलग दिख रहा था। एक धोबी ने चंपू से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? चंपू बोला, मैं चंपू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ, क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? एक धोबी ने चंपू को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो चंपू ने बोला कि मैं चंपू हूँ, मैं बाहरी दुनिया से आया हूँ, क्या आप मुझे कुछ बताओगे धरती के बारे में कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे कुछ बताओगे? धोबी ने बड़े गौर से चंपू को देखा, धोबी ने बिल्कुल ध्यान से ऐसे देखा कि ये कुछ अलग दिख रहा है। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई, वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चंपू को एक साबुन दिया, चंपू ने उसे अपने थैले में डाल दिया, फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। क्या हुआ, थोड़ी देर में पहले धोबी ने तो चंपू को बिल्कुल गौर से देखा, उसके बाद उससे दोस्ती हो गई और उससे बहुत सारी बातें बताई कि ऐसा होता है, सब जो चंपू ने पूछा वो सब उसने बताया। उसके बाद चंपू को जाना था आगे, तो धोबी ने क्या दिया, उसको एक साबुन दिया और वो साबुन चंपू ने अपने थैले में डाल दिया और क्या करा, क्या कहा, धन्यवाद, धोबी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनको चंपू को साबुन दिया। नेक्स्ट पेज, उसके बाद चंपू आगे चल दिया, उसके बाद चंपू आगे चल दिया, वहां उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चंपू को क्या दिखाई दिया, हरा भरा खेत, और उसमें क्या कर रहा था, एक किसान था, वो बीज डाल रहा था। चंपू ने किसान से पूछा, आप कौन है? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूं, मैं धरती पर अनाज उगाता हूँ। चंपू बोला, क्या मैं आज से यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए, चंपू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, चंपू आगे चला तो उसको एक हरा भरा खेत दिखाई दिया और उस समय किसान एक खेत में बीज डाल रहा था। किसान ने चंपू ने किसान से पूछा कि आप कौन हो, तो किसान ने बड़े ध्यान से उसको देखा और बोला कि मैं किसान हूँ और मैं धरती पर अनाज उगाता हूँ। चंपू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? ऐसा चंपू ने बोला कि मैं थोड़े से बीज ले सकता हूँ आपके पास से? तो किसान ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले सकते हो। और किसान ने उसे बीज दिए और वो वहां से खुशी खुशी आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा, वहां एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चंपू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंच गया, वहां एक बढ़ई, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है ना, वो बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी टेबल कुर्सी बना रहा था। और चंपू को ये नए नए तरह की टेबल कुर्सी देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। चंपू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे बना लेते हैं? चंपू ने पूछा उनको, प्रश्न पूछा कि आप ऐसे लकड़ी से ऐसे सुंदर सुंदर चीजें कैसे बना लेते हो? बढ़ई ने मुस्कुरा कर कहा,
बड़े ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े से परिश्रम मतलब मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत की जरूरत है। आवश्यकता मतलब जरूरत। चंपू कुछ देर बड़े से बातें करता रहा। बड़े ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चंपू ने उसे भी अपने थैले में डाल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंपू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चंपू अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न था। उसके बाद क्या हुआ, बड़े से ऐसे बातें कर रहा था, तो बड़े ने क्या बोला कि कोई कठिन काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर कुछ देर तक चंपू ने बड़े से बातें करी। उसके बाद बड़ई ने उसको लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। ये कोई पिक्चर में शो हो रहा है ना, ऐसी गाड़ी उसको बनाकर दी। चंपू ने उसे भी वो गाड़ी को भी अपने थैले में डाल दिया और फिर दिन ढलने लगा। सुबह हुई तब से चंपू घूम रहा था और अब रात होने को आई। फिर चंपू को क्या हुआ, अपने मम्मी पापा की याद आने लगी और वह ज्ञान की ओर वापस गया और वहां पे यान के पास जो सीढ़ियां लगी थी उसमें जाकर अपने जो यान विमान था उस पर बैठ गया और थोड़े से टाइम में कुछ ही देर में वह इस दुनिया से बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। धरती से बाहरी दुनिया की ओर चल दिया और वहां पे अंदर बैठे बैठे अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा था वो कि मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई है। Okay, so here chapter completed.